तो गाइस जब से टिकटॉक इंडिया में बैन हुआ है, टिकटॉक का जैसा कई सारे अल्टरनेटिव ऐप प्ले स्टोर पे आ चुका है। कोई बोल रहा है रूपसो चलाओ, कोई बोल रहा है मित्रों चलाओ, कोई बोल रहा है चिंगारी चलाओ, यहाँ तक कि कोई कोई बोल रहा है भाई इंस्टाग्राम का एक नया फीचर सा या रील्स, तुम रील्स चलाओ। तो मैं आपको बता दूं कि इस बीच में यहाँ पर कंफ्यूज हो चुका हूँ कि मैं कौन सा ऐप चलाऊं। और आपको अगर लगता है कि मैं आपको इस वाले कंफ्यूजन से आपको दूर करने आया हूँ तो आप गलत हो, क्योंकि गाइस आज मैं फिर से आपको कंफ्यूज करूंगा। क्योंकि गाइस मैं अभी आज आपको कुछ इसी तरह का एक एप्लीकेशन के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जिस एप्लीकेशन का नाम सुन के तो आप पहले आप हंसोगे, बिलीव नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि उस वाले एप्लीकेशन का जो नाम है उसका नाम है नाश्ता। जी नहीं दोस्तों, ये जो एप्लीकेशन है इसका नाम है स्नैक वीडियो, यानी गाइस स्नैक का मतलब होता है नाश्ता, यानी गाइस आप नाश्ता वीडियो भी आप बोल सकते हो। तो गाइस आज के इस वीडियो में गाइस मैं इसी नाश्ते वीडियो का आपको रिव्यू करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग के साथ मज़ेदार होने वाली है। तो वीडियो को आपने अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो दिमाग लगाकर सोच कह रहे हो, भाई का वीडियो लाइक करना तो बनता है। और यार चैनल पर अगर आप नए हो या फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ही मेरे वीडियो को देख रहे हो तो आपको इसी वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके आप वहाँ पे ऑल सिलेक्ट कर ले, ताकि यार मैं कुछ भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा। अब दोस्तों चलिए उस वाले एप्लीकेशन को आप ओपन करते हैं और आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाकर दोस्तों ये स्नैक एप्लीकेशन है इसको फ्रेंड्स आपको डाउनलोड कर लेना होगा। देख सकते हैं इसका जो रेटिंग है फ्रेंड्स 4.4 की है और 10 मिलियन के प्लस दोस्तों इसमें डाउनलोड हो चुका है। आपको दोस्तों इस वाले एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करके आपको इंस्टॉल कर लेना होगा। मैंने इसको पहले इंस्टॉल करके रखा इसलिए मेरा यहाँ पर ऑप्शन ओपन कर रहा है। तो यार मैं सिंपल सा यहाँ पर ओपन पे क्लिक करता हूँ। तो गाइस जैसे आप यहाँ पे ओपन करेंगे इसका फ्रेंड्स टिकटॉक का जैसा ही आपको लुक यहाँ पर देखने को मिलेगा। देख सकते हैं गाइस आपको यहाँ पर प्रोफाइल का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर गाइस आपको हार्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर गाइस आपको कमेंट्स का दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको शेयर का दिख रहा होगा। और एक चीज़ गाइस जो आपको यहाँ पर नया दिखने को मिलेगा वो फ्रेंड्स आप यहाँ पर डाउनलोड का, पहले गाइस जो ये डाउनलोड था ये शेयर के अंदर ही था, अब ये जो डाउनलोड है फ्रेंड्स ये आपको यहाँ पर बाहर पर कर दिया गया है। अगर दोस्तों आप इस वाले डाउनलोड के ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो फ्रेंड्स ये जो वीडियो है सीधा फ्रेंड्स आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। अगर दोस्तों आप ऊपर में देखोगे तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक नियर बाय का ऑप्शन दिखेगा। अगर दोस्तों आप इस वाले फीचर्स को आप ऑन करते हो तो फ्रेंड्स आपके सामने गाइस या फिर आपके घर के बगल में आपको जो ये एप्लीकेशन यूज़ करता है उसको फ्रेंड्स आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब गाइस आपको इसमें अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल सा गाइस आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा देख सकते हैं इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह के तीन ऑप्शन आपके सामने आएंगे। यहाँ पर गाइस आप तीन तरीके से आपका जो अकाउंट है उसको क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहले गाइस आप यहाँ पर फेसबुक के जरिए कर सकते हो, यहाँ पर गाइस आपका जो जीमेल आईडी है यहाँ पर डाल के आप कर सकते हो, या फिर गाइस आपका जो मोबाइल नंबर है उसको फ्रेंड्स आप यहाँ पर डाल के कर सकते हो। मुझे पता है दोस्तों आपको यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना आता है, जिस तरह से गाइस आप टिकटॉक में अकाउंट क्रिएट किए हो उसी तरह से गाइस आप यहाँ पर भी आप अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। अब गाइस मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको वीडियो अपलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा। उसके लिए गाइस आपको जो बीच में प्लस मार्क दिख रहा होगा देख सकते हैं इस वाले प्लस मार्क पर आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इसमें क्लिक करेंगे कुछ इस तरह के दो ऑप्शन आपके सामने आएंगे। यहाँ पर गाइस जो फर्स्ट ऑप्शन है कैमरा का, अगर दोस्तों आप कैमरे वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो फ्रेंड्स आपको क्या है आपका जो फोन का कैमरा है यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा। अगर दोस्तों आप नीचे वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करते हो तो आपका जो गैलरी में फ्रेंड्स जो भी आपका जो फाइल्स रहेगा उसको फ्रेंड्स आप यहाँ पर सिलेक्शन करोगे। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जो कैमरा का ऑप्शन है इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि जैसे आप यहाँ पे कैमरे के ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे आपको जो गैलरी है यहाँ पर एक्सेस करने के परमिशन मिलेगा। तो यार सबसे पहले आपको यहाँ पे अलाउ अलाउ पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे अलाउ अलाउ पे आप क्लिक करोगे कुछ इस तरह से गाइस देख सकते हैं जिस तरह से गाइस आपका जो टिकटॉक में इंटरफेस आपको देखने को मिलता था उसी तरह से गाइस आपको यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले गाइस ऊपर में आपको फ्लिप का ऑप्शन दिख रहा होगा, अगर दोस्तों आप इस वाले फ्लिप का ऑप्शन पर आप क्लिक करते हो तो अभी फ्रेंड्स मेरा फ्रंट कैमरा है, अगर आप फ्लिप पर आप क्लिक करोगे तो मेरा बैक कैमरे में चला जाएगा। नीचे में गाइस आप यहाँ पे स्पीड का ऑप्शन है, अगर दोस्तों आप इस वाले स्पीड में आप क्लिक करते हो तो यहाँ से गाइस आपका जो वीडियो यहाँ पर इस साइड में अगर क्लिक करोगे तो स्लो मोशन में होगा और इधर में करोगे तो फ्रेंड्स आपको फास्ट मोशन में होगा। अब गाइस आपको यहाँ पर देख सकते हैं नीचे में आपको टाइमर का ऑप्शन दिख रहा होगा। मैं गाइस आपको बता दूंगी टिकटॉक में जैसे आप यहाँ पर 15 सेकंड का वीडियो बना सकते थे, अब गाइस आप यहाँ पर सिर्फ 11.5 सेकंड का ही वीडियो बना सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो लॉन्ग वीडियो होता है उसमें 60 सेकंड का था, यहाँ पर आपको 57 सेकंड का ही आपको मिलेगा। अब गाइस नीचे में यहाँ पर देखिएगा तो आपको यहाँ पर B2 का ऑप्शन दिखेगा, अगर दोस्तों आप इस वाले B2 के ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे और यहाँ पर गाइस कुछ इस तरह से इसको बढ़ा दोगे इसको आप एडजस्ट करोगे तो गाइस देख सकते हैं आपका जो चेहरा है कितना मेरा चेहरा यहाँ पर स्मूथ कर दिया गया है। तो यार इस तरह से आप ब्यूटी मोड को यूज़ करके दोस्तों आपका दोस्तों जो वीडियो है यहाँ पर कुछ इस तरह से आप स्मूथ कर सकते हो। अब यार नीचे में आप अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर फिल्टर का ऑप्शन दिखेगा, आपको दोस्तों इस वाले फिल्टर के ऑप्शन पर आप जैसे आप क्लिक करोगे
तो नीचे में गाइस आपको यहाँ पे कई सारे आपको फिल्टर आपको देखने को मिलेगा, देख सकते हैं कई सारे। अभी तक गाइस टिकटॉक का जितना यहाँ पर फिल्टर ऐड नहीं हुआ है, तो इन फ्यूचर गाइस आपको टिकटॉक के जैसा ही आपको यहाँ पर फिल्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद गाइस आपको इसमें वीडियो शूट करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा गाइस ये जो ऑप्शन है इस बड़े ऑप्शन पर आपको क्लिक करके रखना होगा। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करके रखोगे आपका जो वीडियो है फ्रेंड्स कुछ इस तरह से आपका स्टार्ट हो जाएगा रिकॉर्डिंग करना। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ये जो चीज़ है मैं यहाँ पे डेमो के लिए शूट कर रहा हूँ, तो गाइस देख सकते हैं जो मेरा वीडियो है कुछ इस तरह से गाइस आप यहाँ पे वीडियो का शूट कर सकते हो। उसके बाद गाइस इस वाले वीडियो को आपको यहाँ पर शेयर करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जो ये ऑप्शन देख रहा होगा इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करोगे कुछ इस तरह से गाइस आपका जो वीडियो यहाँ पर आ जाएगा। अब गाइस यहाँ पर भी फ्रेंड्स अपने वीडियो को फ्रेंड्स आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो, जैसे आप यहाँ पे इफेक्ट डाल सकते हो, म्यूजिक डाल सकते हो, स्टिकर्स डाल सकते हो। मुझे गाइस कुछ नहीं करना है तो मैं यहाँ पर सिंपल से नेक्स्ट में क्लिक करूँगा। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, देख सकते हैं टिकटॉक के जैसा ही गाइस मेरा यहाँ पर इंटरफेस आ चुका है। अब गाइस मैं यहाँ पर जो टेक्स्ट है यहाँ पर लिखूंगा, उसके बाद जो हैशटैग है गाइस आपको यहाँ से लगाना होगा। उसके बाद गाइस एट द रेट लिख के आपका जो जिसको फ्रेंड्स आप टैग करना चाहते हो उसका फ्रेंड्स आईडी को आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। उसके बाद गाइस अगर आप अपना वीडियो को फेसबुक में या फिर व्हाट्सएप में या फिर फ्रेंड्स यूट्यूब में शेयर करना चाहते हो तो आपको इस सब में आपको सिलेक्शन करना होगा। उसके बाद गाइस सीधा आपको शेयर में आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर शेयर पर आप क्लिक करोगे आपका जो वीडियो है फ्रेंड्स यहाँ पर शेयर हो जाएगा। तो गाइस इस तरह से आप बहुत ही आसान से स्टेप को फॉलो करके इस वाले एप्लीकेशन में फ्रेंड्स आप वीडियो बना सकते हो और वहाँ पर अपलोड कर सकते हो। अब गाइस मैं यहाँ पर कुछ और फीचर्स के बारे में बताता हूँ। तो गाइस जैसे आप यहाँ पे सर्च के ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे यहाँ पर गाइस आपको कई लोगों का फ्रेंड्स आपको यहाँ पर प्रोफाइल आपको देखने को मिलेगा, देख सकते हैं। मुझे नहीं पता है गाइस ये लोग पॉपुलर क्रिएटर है ना क्या है, इनका फ्रेंड्स आपको यहाँ पर प्रोफाइल आपको शो हो रहा होगा, देख सकते हैं। और गाइस जिसका फ्रेंड्स आपको प्रोफाइल सर्च करना है ऊपर में फ्रेंड्स आपको जो ऑप्शन दिख रहा होगा इस वाले ऑप्शन पर लिख के फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सर्च कर लीजिएगा। अब गाइस फिर से आप यहाँ पे होम पे अगर आप क्लिक करेंगे तो वापस आप इसी जगह पर आप आ जाओगे। तो गाइस देख सकते हैं ये जो एप्लीकेशन के है वो फ्रेंड्स आपको टिकटॉक के जैसा ही आपको यहाँ पर फील देगा। तो मैं आपको बता दूँ कि अगर दोस्तों आप कन्फ्यूज है कि आप कौन सा ऐप यूज़ करें तो गाइस इस एप्लीकेशन को भी आप यूज़ करके देखिए आपको कैसा लगता है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर दोस्तों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को फटाफट एक लाइक कर दीजिए। अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हो तो आपको पता है आपको क्या करना है। अब दोस्तों बिना किसी देर के चलिए वीडियो पर अभी एंडिंग लगाते हैं।